कॉर्बिज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित और आप देख रहे हैं कॉर्बिज। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में म्यूजिक लाइसेंस के बारे में कि आखिर एक म्यूजिक लाइसेंस क्या होता है, किन लोगों को म्यूजिक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप म्यूजिक लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होता है जिसके तहत आपको गुजरना पड़ता है अगर आप म्यूजिक लाइसेंस लेते हैं, उसके अलावा हम बात करेंगे कितने प्रकार के म्यूजिक लाइसेंस होते हैं और अंत में हम चर्चा करेंगे कि पेनालिटी क्या आपको फेस करनी पड़ती है अगर आप म्यूजिक लाइसेंस नहीं लेते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आपको पता है कि आप बिना म्यूजिक लाइसेंस लिए अपने होटल, पब, बार, क्लब और रेस्टोरेंट में म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते हैं लोगों के मनोरंजन के लिए, क्योंकि कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अनुसार किसी भी होटल, बार, रेस्टोरेंट, पब, क्लब में अगर उन्हें म्यूजिक प्ले करना है तो उसके लिए उन्हें म्यूजिक लाइसेंस लेना अनिवार्य माना गया है। म्यूजिक लाइसेंस का मुख्य उद्देश्य होता है जो हमारा क्रिएटर है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उसे एक पहचान दिलाना। PPL लाइसेंस, फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड यानी कि PPL सभी रेस्टोरेंट और बार, होटल, क्लब्स को ये लाइसेंस इशू करता है जो कि अपने प्रीमिसेस के अंदर प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक चलाना चाहते हैं। IPRS लाइसेंस, किसी भी बिजनेस यूनिट को अगर वो चाहते हैं कि जो सिंगर है वो उनके प्रीमिसेस में आके लाइव परफॉर्मेंस दे, बैंड परफॉर्मेंस दे, तो उसके लिए उन्हें अप्रोच करना पड़ेगा इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी को और उन्हीं की तरफ से उन्हें ये लाइसेंस प्राप्त होगा। टाइप्स ऑफ म्यूजिक लाइसेंस, अब हम बात करेंगे म्यूजिक लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। सिंक लाइसेंस, सिंक लाइसेंस के अंदर म्यूजिक जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है वो कुछ विजुअल मीडिया के साथ सिंक की जाती है और बहुत सारे टीवी कमर्शियल, एडवर्टाइजिंग एजेंसी और फिल्म स्टूडियो इस लाइसेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि ये लाइसेंस होल्ड करते हैं। मैकेनिकल लाइसेंस, मैकेनिकल लाइसेंस का पर्पस है जो हमारा आर्टिस्ट है उसकी क्रिएशन को अवेलेबल कराना जनरल पब्लिक के बीच में CD के फॉर्म में या फिर किसी ऑनलाइन पब्लिकेशन के फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और जनरल पब्लिक के सामने उसकी जो क्रिएशन है वो आसानी से दिख सके। देखिए, इस मैकेनिकल लाइसेंस की ज़रूरत तब भी पड़ती है अगर हमें छोटी भी चेंजेस करनी, यानी कि स्लाइट चेंजेस भी हमें करनी है, जैसे हमें खुद की अपनी लिरिक्स डालनी है या फिर उस गाने को रिमिक्स के फॉर्म में डालना है। मास्टर लाइसेंस, मास्टर लाइसेंस बाकी लाइसेंस के मुकाबले काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये लाइसेंस जो हमारा लाइसेंस होल्डर होता है उसको प्री रिकॉर्डेड सॉन्ग को यूज़ करने का पर्पस ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट के माध्यम से होता है, यानी वो री रिकॉर्डिंग ऑफ द सॉन्ग नहीं कर सकता है। पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस, ये लाइसेंस सबसे कॉमन होता है क्योंकि ये आर्टिस्ट के कॉपीराइटेड वर्क को बहुत लार्ज स्केल में प्रदर्शित करता है, यानी कि दिखाता है लोगों के बीच, अवेलेबल कराता है। इसके अलावा जितने भी बिजनेसेस हैं जो म्यूजिक प्ले करते हैं अपने जूक बॉक्स में या फिर पब्लिक परफॉर्मेंस दिलवाते हैं जैसे कंसर्ट के तौर पर, वो इस लाइसेंस को होल्ड करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक लाइसेंस, देखिए म्यूजिक लाइसेंस के बेनिफिट्स की जब भी बात आती है सबसे बड़ा फायदा आर्टिस्ट को होता है क्योंकि आर्टिस्ट म्यूजिक लाइसेंस के थ्रू अपने टैलेंट को एंटायर वर्ल्ड को शोकेस कर सकता है, यानी कि उसका जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया देख सकती है। कोई भी पर्टिकुलर सॉन्ग है वो भी लोगों के बीच पहुंच पाता है म्यूजिक लाइसेंस के थ्रू। इसके अलावा म्यूजिक लाइसेंस के थ्रू आर्टिस्ट अपने वर्क को, अपनी क्रिएशन को प्रिजर्व कर पाता है थ्रू कॉपीराइट, जिसकी वजह से उसका जो काम है वो चोरी नहीं हो पाता, डुप्लीकेट नहीं हो पाता है। इसके अलावा देखिए, बेनिफिट का फायदा आर्टिस्ट को इस तौर पे भी मिलता है कि वो पब्लिक परफॉर्मेंस करके, कॉन्सर्ट करके एक रेवेन्यू भी उसके लिए जनरेट हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट म्यूजिक लाइसेंस, तो अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं अगर आप म्यूजिक लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होती है जैसे कि नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी। उसके बाद आपको अपने बिजनेस से रिगार्डिंग सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। किस टाइप की म्यूजिक आप प्ले करेंगे अपने प्रीमिसेस के अंदर उसकी भी डिटेल आपको देनी होगी। अगर आपका LLP बिजनेस है तब आपको ज़रूरी है सर्टिफिकेट सबमिट करना इनकॉर्पोरेशन का। इसके अलावा पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, एड्रेस प्रूफ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID कार्ड।
तो डॉक्यूमेंट्स के बाद अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की, कि यानी क्या वो प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करना है अगर आप म्यूजिक लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी, उसको विजिट करना होगा। फिर वहां से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आपको जमा करनी होगी। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन अगर सब कुछ सही निकलता है तब आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। पेनाल्टी फॉर द ऑफेंडर, सेक्शन 63 कॉपीराइट एक्ट का कहता है कि अगर कोई भी पर्सन कॉपीराइट एक्ट या फिर किसी और एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच करता है, तब उस केस में डिटेंशन पीरियड यानी आपको 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है और एक फाइन भी आपको भरना हो सकता है जो कि 5,000 से 3 लाख तक होता है। तो संपूर्ण जानकारी म्यूजिक लाइसेंस के बारे में हमने आपको दे दी। अगर आप भी म्यूजिक लाइसेंस चाहते हैं तो आप कॉर्बिस के साथ जुड़ सकते हैं। जल्द मुलाकात करेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।